हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको अंडे के एग शेल में सीडलिंग करके बताऊंगी टमाटर की। सबसे पहले हमें एक अंडा चाहिए और उसको ऊपर से इस तरह छुरी से वो कर लेंगे, हम क्रैक करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद उसका थोड़ा सा छिलका ऊपर से उतार लेंगे। अंडे को हम एक प्याले में खाली कर लेंगे, हमें सिर्फ एग शेल चाहिए, अंडे का छिलका चाहिए हमें खाली। इसके एकदम बॉटम में हमें ड्रेनिंग होल कर लेना है इस तरह से। ताकि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन हो जाए, निकल जाए। टमाटर के हम स्लाइस काट लेंगे। इस तरह से अब हम एक छन्नी में टमाटर के सीड्स कलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें सारा पल्प इसका निकाल कर इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, एक चुटकी हल्दी डालनी है हमें इसमें थोड़ी देर के लिए। अब हम इस एग शेल में 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोको पीट ऐड करेंगे। आधा अंडा इससे भरकर हम इसको प्रेस कर देंगे ताकि जितना भी हवा का वो है निकल जाए। अब हम ये सारे बीज अंडे में डाल देंगे। और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। भरपूर अंदाज में हमें इसको पानी देना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो हम पानी देते हैं वो पूरे तरीके से देते हैं। और इसकी एक निशानी ये है कि वो ड्रेनेज होल से बाहर आने शुरू हो जाएगा। अब हम इसको एक बड़े गमले में उसके पत्तों के नीचे इसको शेड बना के रख देंगे, ताकि डायरेक्ट धूप ना पड़े। 10 दिन के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। अब मिलते हैं 10 दिन बाद। ये देखें नाज़रीन, हमने घर के टमाटर से सीडलिंग की थी और कितनी अच्छी स्प्राउटिंग इसमें हो गई है। टमाटर के सीड्स बेहतरीन अंदाज में जर्मिनेट हो चुके हैं। अब हम इसको नॉर्मल गार्डन सॉइल में
लगा देंगे। फिर जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर मैं इसको आपको अलग अलग करके लगा के दिखाऊंगी। एहतियात के साथ संभाल के हमें इसको छिलके से अलग करना है। रूट्स देखें आप, इनकी रूट्स कितनी अच्छी डिवेलप हो गई हैं, इनकी जड़ें। ये थोड़े लेगी हैं तो हमें इसको काफ़ी हद तक ज़मीन के अंदर, गमले के अंदर कर देना है। सिर्फ इसके पत्ते ऊपर से नज़र आएंगे, इनकी तमाम डंडियाँ नीचे चली जाएंगी। एक पूरे टमाटर के हमने बीज लिए थे, दो अंडों में सीडलिंग की थी हमने, और 10 दिन बाद का रिजल्ट है। इसी प्रोसीजर से हमें ये दोनों अंडे इसी गमले में लगा देने हैं। आप देख सकते हैं अब हम इसको इतना पानी देंगे कि इस पानी सारा नीचे से निकल जाएगा। पहले हम शावर से देंगे। और हम इसको सेमी शेडेड एरिया में रख देंगे।